दोस्तों, दूध तो सभी के घरों में आता है, दूध सभी यूज करते हैं, लेकिन क्या कभी आपको किसी ने बताया दूध में आटा डालते ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत ही अच्छा कमाल होता है। कमाल देख करके, रिजल्ट देख करके आप चौंक जाएंगे कि दूध में आटा डाल करके इतना अच्छा कमाल किया जा सकता है घर पर। तो आज हम आपको बताएंगे कि दूध में आटा डालने से क्या कमाल होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठंडी में मस्त बनाते रहिए, खाते रहिए, ठंडी का आनंद लेते रहिए। दोस्तों चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों क्या होता है कि जब हम दूध लाते हैं, दूध को उबालते हैं, तो नीचे कुछ इस तरीके से तली में रह जाता है, जो कि नीचे जम जाता है, और ये हम ऐसे फेंक देते हैं बर्तन में, यानी कि बर्तन धुलते समय इसे हम धुल करके फेंक देते हैं, लेकिन इसका अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। कैसे यूज करना है चलिए हम आज आपको बताते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको डाल देना है थोड़ा सा आटा। दोस्तों आटा डालने के बाद आपको ले लेना है ग्रेटर और ले लेनी है एक आलू। आलू को आपको ग्रेट कर लेना है, हमें पूरा आलू नहीं चाहिए, आलू का जूस चाहिए, तो हम ग्रेट कर लेते हैं आलू को। तो आलू हमने ग्रेट कर लिया है। आलू को ग्रेट करने के बाद आपको क्या करना है, इसे दबा करके इसका जो जूस होगा उसे हमें लेना है। इस तरीके से जब हम दबाएंगे ना तो इसका जूस निकल आएगा। आलू बहुत ही अच्छा माना जाता है, ये दाग धब्बे हटाने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। कैसे, चलिए आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों आलू का जूस हमने डाल दिया और इसमें आटे में इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब ये देखिए हमारा एक अच्छा सा फेस पैक बन करके तैयार होगा। जो हम मार्केट से महंगा फेस पैक लेकर आते हैं वो हम घर पर ही बना सकते हैं। अब उसके बाद आपको इसे अप्लाई कर लेना है, आप चाहे हाथ पैरों में लगाएं। ठंडी के सीजन में हाथ पैरों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, तो इसे हमें इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। आप चाहे तो इसे चेहरे पर भी लगा सकते हैं, आलू बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो इसे इस तरीके से अप्लाई करने के बाद 2-3 मिनट छोड़ देना है, यानी कि ऐसे मसाज करके छोड़ देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से 2-3 मिनट बाद इसे साफ पानी से धुल लेना है। तो हम देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से आपको करना है। और अभी आप देख सकते हैं इसमें हमने नहीं लगाया, ये हाथ देखिए और ये वाला। अभी इसे हम धुल करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा रिजल्ट अभी तुरंत देखने को मिला है। आप इस तरीके के दूध को कभी मत फेंकिए। आलू जो होता है वो बहुत ही अच्छा क्लीनिंग करता है हाथों पैरों की, फटने नहीं देती। एड़ी अगर आपकी फट रही है तो वहां पर आप इसे लगा करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए और उसके बाद साफ पानी से धुल लीजिए। देख सकते हैं रिजल्ट अभी आपके सामने है, आप इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों दूध को आप कभी मत फेंकिए, दूध में जो ऑयलीपन रहता है यानी कि ऊपर की जो मलाई थोड़ी बहुत रहती है वही नीचे बैठ जाती है, तो मलाई बहुत ही अच्छे से स्किन पर ग्लो लाती है और जो मलाई में चिकनापन होता है इससे आपके हाथ पैर कभी नहीं फटेंगे, बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट देता है। आई होप कि आपको यह टिप्स पसंद आया होगा, दूध में आटा डालने का टिप्स अगर आपको पसंद आया हो, आप पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इस चैनल की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।